काटोगे तो नहीं। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारा सेकंड डे है लद्दाख में और हमने अपना होटल चेकआउट कर दिया है। जस्ट अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो आज हम लोग जाएंगे पेंगोंग लेक। उसके बाद देखते हैं, अगर शायद लेट हो जाएगी तो हम पेंगोंग लेक में ही रात को स्टे करेंगे, वहीं रहेंगे। लद्दाख में इतना कुछ है नहीं घूमने के लिए, तो हम लद्दाख नहीं घूमेंगे। देखिए कितने सारे स्तूपा हैं, ये बहुत सारे स्तूपा हैं। पूरे लद्दाख में आपको स्तूपा ही स्तूपा मिलेंगे हर जगह, पहाड़ी के ऊपर भी स्तूपा है देखिए। अच्छा, लद्दाख में जितने भी ये ईंटें हैं ना, ये सब मट्टी की हैं, कोई सीमेंट की ईंटें नहीं है, ये सब मट्टी की ईंटें हैं। लद्दाख में जितने भी घर बनते हैं सब मट्टी से बनते हैं। हमने जो वॉल है पूरी मट्टी की है। पेंगोंग जाते वक्त रास्ते स्टार्ट हो चुके हैं, सुंदर नजारे हैं लद्दाख के। सिटी ले हमने पीछे छोड़ दी है, अब लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर बता रहे थे। तो देखिए पूरे रास्ते ना ऐसे ये खटर बटर रहेगा पूरा, जब आप ऊपर आते हैं पेंगोंग के लिए। रास्ता बहुत खराब है, 20-25 की स्पीड चलानी बस आपको। ऊपर आ गए, हम नहीं रहेंगे लेकिन याद ही रहेंगे हमेशा। भाई भारत माता की जय, वंदे मातरम। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है। रास्ता बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत ज्यादा था, हमारे तो गाड़ी में प्रॉब्लम होने लगी है, शायद हो सकता है हमें वापस ही जाना पड़े। देखते हैं, थोड़ा गाड़ी के चिमटे में दिक्कत आने लग गई है। ये हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, ये टायर की हालत देखिए। ये स्टेपनी का टायर है, जो हमारा टायर पंचर हो गया है। तो जाते वक्त आपको ये ब्यूटी मिलेगी, कितना सुंदर पानी है। जुले जुले मतलब नमस्ते 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 नमस्ते। खमसा कैसे हो? हो रही हो। जुले जुले, चलो चलो आप लंच करोगे, करो लंच। ओके, दूर से देखा काफी अच्छा लगा, काफी लोग ले जा रहे थे, मैंने सोचा एक मैं भी लेता हूँ। ये ले लिया, ये कलियां याद रहेंगी। जब हम रास्ते में आते ना, आगे तो गर्मी थी काफी, यहाँ पे ठंड है नीचे घाटी में, मतलब ऊपर तो ठंड है नीचे घाटी में काफ़ी गर्मी थी। तो वहाँ पे जितने भी लेबर्स हैं ना, सब पानी मांग रहे थे। तो हम पे 10-15 बॉटल्स थी, हमने काफ़ी बांट दिए हैं, अभी और भी है, मैंने ऐसे फिल कर लिए, उनको भी बांट देंगे। तो आप लोग भी जब आए ना, उनको पानी ज़रूर दें। एक बुरे डॉन डोलो आएगा, ये छोटा सा फूल है, इससे भैया आवाज़ बना रहे हैं। अच्छी हो जाएगी। चलो भैया, झूले। तो देखिए रिवर साइड का जो ग्लेशियर वाटर है वही मिनरल वाटर है, और बिल्कुल साफ है। मैं कूलेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस पानी को, देखिए ये मिनरल वाटर है बिल्कुल, आप इस पानी को कूलेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा वाइपर वाटर भी डाल देते हैं। भाई साहब लद्दाख आए और एक चीज़ देखी ना हो, और ये पक्का है आपने 1, 2, 10 देखी होंगी। ये देखिए याक है यहाँ पे बहुत सारी हैं। नंबर ऑफ याक्स है, और ये भाग रही है डर के मारे, कितनी सुंदर है। देखिए जब हम लद्दाख जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना ऐसी जगह, आपको ब्यूटी में कुछ ना कुछ ब्यूटी दिखेगी। तो ये सामने हॉर्स दिख गए, देखिए उनके पास आ गए बिल्कुल। ओह तो डरा रहे मेरे को, ओ मारना, मैं इसके पास गया मारने आ गया मेरे को। मूवी आई थी शाहरुख खान की जब तक है जान, यहीं पे शूटिंग हुई थी, यही जगह है, बिल्कुल सेम जगह है। और सामने चाय की दुकान है, सामने पीछे पेंगोंग झील दिख रही है, पेंगोंग लेक दिख रही है, 5 किलोमीटर दूर अभी भी यहाँ से। हम इस टाइम खड़े हैं पेंगोंग लेक पे, पूरा यहाँ से पूरा देख रहा है, आगे का डिस्टेंस बहुत लंबी है, लगभग कहते हैं 70% चाइना के पास है, 30% इंडिया के पास है इस टाइम पे। देखिए इसका पानी का कलर चेंज होता है हर वक्त, और शायद अभी भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। देखिए सामने दूर इंडियन नेवी का स्टीमर आ रहा है, वो पेट्रोलिंग करने गया था, पेट्रोलिंग लगातार चलती है यहाँ पे, आगे वहाँ पे इंडियन नेवी के बहुत ज़्यादा स्टीमर्स खड़े हैं। ये बाइक का और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा बहुत चोट लगी इनको। तो ये है 3 Jets वाला स्कूटर, वो है 3 Pumps। पेंगोंग लेक पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे मन कर रहा है कि बस बैठे रहो, लोग यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी फैमिलीज बैठी हुई हैं।
30 किलोमीटर एक नेटवर्क वाली एरिया है जहाँ पे नेटवर्क आ रहा था, वहाँ जाके रात को रहेंगे। अभी लद्दाख नहीं जाएंगे, लद्दाख बहुत दूर रहेंगे। तो मैं भी पानी में गया था शॉट लेने के लिए, पैर पूरे लाल हो गए, बुरी हालत है। एक और सेल्फी अट्रैक्शन है, शूटिंग हो रखी है, तो मैं भी आ गया फोटो खिंचवाने के लिए। तो अब जल्दी सनसेट भी हो जाएगा, लगभग 2 घंटे हैं अभी सनसेट होने के, शाम को 6 बजने वाले, तो हम जल्दी से निकलते हैं और जहाँ पे इंटरनेट होगा वहाँ पे जाके रात को स्टे करेंगे। तो लद्दाख में रेनबो दिख रहा है सामने। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light. Pangyong Lake से वापस आ रहे थे, और ये देखिए मेरे साथ कौन है? कितने सुंदर है नहीं? और इधर देखो, इनको देखो, इसको देखो, सबसे प्यारा ही है। ये मेरे से नहीं डर रहे, लोमड़ी से डर रहे हैं। काटोगे तो नहीं? बहुत सुंदर है यार ये, और बहुत सारे हैं देखो, यहाँ पे भी हैं। घरों में रहते हैं, शेल्टर्स हैं नीचे, और आप देखो मैं जंगली जानवर के सामने खड़ा हूँ। कितने प्यारे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं जानवर, पता नहीं कौन से हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं। देखा है इनको टीवी पे मैंने कई बार, छोटे छोटे घास खा रहे हैं। चलो भाई, नहीं 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 काटना नहीं, नहीं 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 नहीं, मजे करो बाय। जा रहा हूँ तो डरा रहे हैं, यहाँ पे भी इनका घर। लोमड़ी आई थी उनको खाने के लिए, छोटी सी लोमड़ी थी, अब वो चली गई है, तो ये डर रहे हैं बेचारे उनसे। तो ट्रैवल करने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके हैं, टिंगस्टा करके नाम कुछ है, नाम को नहीं पता, वे होटल है छोटा सा। खाने के लिए हम रुके यहाँ पे, मैगी खा के आएंगे। सॉसेज नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो ये है चंगला पास, सुबह के वक्त हम यहाँ से निकले थे। 17,688 फीस है, मतलब नियर अबाउट 17,500 फीट है। रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग पैंगयोंग रिवर्स लेक से वापस आ रहे हैं, और सिर्फ हम ही हैं वापस जाने वाले, पूरे पहाड़ में कोई नहीं जा रहा। बहुत टफ है जाना, 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे रात का। अब हमें लगेगा 1.5 घंटा नीचे जाते जाते, रास्ता बहुत ख़राब है, तो 11:30 बज जाएंगे लद्दाख पहुँचते हुए। रात के बज गए हैं 11:30 और हम लोग आ गए रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। अब खाना खाते हैं, इसके बाद होटल बुक करते हैं।